नमस्कार, मैं हूँ सुरभि सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। जी हाँ, तो 1 दिसंबर 2018 को प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनस से राजस्थान में शादी की। जी हाँ, इसके बाद प्रियंका चोपड़ा ने अपना टाइटल बदलकर प्रियंका चोपड़ा जोनस कर दिया। लेकिन अब कुछ दिनों पहले ही प्रियंका चोपड़ा ने अपने टाइटल से जोनस हटा दिया और तलाक की खबरें सामने आने लगी। कई अफवाह ऐसे फैले कि जल्द ही प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस तलाक लेने वाले हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। क्योंकि भी हाल ही में प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस दोनों ने एक रोमांटिक तस्वीर शेयर करके इन अफवाहों पर विराम लगा दिया है। लेकिन आज उस रिपोर्ट में हम प्रियंका चोपड़ा के ससुराल वालों के बारे में बात करने वाले हैं, खासकर उनकी जेठानियों के बारे में बात करेंगे कि उनकी जेठानियां जो हैं सोफी और डैनियल, इन दोनों के साथ कैसा रिश्ता प्रियंका चोपड़ा शेयर करती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। आपको बताएंगे कि आखिर अपने ससुराल में वो किस तरह से रहती हैं, ससुराल वालों के साथ उनकी बॉन्डिंग कैसी है। कई बार देखा गया है कि सोफी और डैनियल के साथ प्रियंका चोपड़ा की कई तस्वीरें हैं जो इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल होती है, फैंस उन्हें पसंद भी करते हैं। दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी नजर आती है, तीनों साथ में हमेशा एंजॉय करते हुए दिखाई देते हैं और जब तीनों साथ में होते हैं कई ऐसी फोटोज हैं जो इंस्टाग्राम पर वायरल होती है। तो आज इनकी बॉन्डिंग के बारे में हम बात कर लेते हैं, आपको बताएंगे कि परिवार वालों के साथ कैसा संबंध रखती हैं प्रियंका चोपड़ा, अपनी दोनों जेठानियों के साथ कैसा संबंध रखती हैं। लेकिन यहां नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा इस समय अपने तलाक की खबरों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। लेकिन आपको बता दें कि ग्लोबल आइकन प्रियंका ने पति निक जोनस और उनकी फैमिली के साथ बिताए गए कई पलों की तस्वीरें वो सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। पहले आपको ये बता दें कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने करीब 1.5 साल तक डेट करने के बाद 1 दिसंबर 2018 को राजस्थान के उमेद भवन में हिंदू और क्रिश्चियन दोनों तरीके से शादी रचाई थी। प्रियंका और निक के बीच 10 सालों का एज गैप है और दोनों की शादी को 3 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो चला है। इसके बावजूद कपल एक दूसरे के प्यार में डूबा नजर आता है। प्रियंका अक्सर सोशल मीडिया पर पति निक जोनस के साथ तस्वीरें शेयर करती हैं। वहीं आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही प्रियंका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की थी। जी हाँ, शेयर की गई फोटो में प्रियंका को निक की बाहों में शांति से आराम करते हुए देखा गया था। जी हाँ, वहीं आपको बता दें कि अभिनेत्री ने वीकेंड में अपने जिठानियों के साथ भी समय स्पेंड किया था। आपको बता दें कि प्रियंका ने सोफी टर्नर और डैनियल जोनस के साथ एक स्टाइलिश सेल्फी भी शेयर की थी। आपको बता दें कि सोफी और डैनियल ने निक के बड़े भाइयों जो जोनस और केविन जोनस से उन्होंने शादी की है, फोटो में सीनियर जोनस भी दिखाई दिए थे। वहीं आपको बता दें कि इन दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी देखी गई है, अपनी जेठानियों के साथ उनकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग देखी गई है। वहीं आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा अपनी दोनों जेठानी के साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड शेयर करती है। प्रियंका चोपड़ा ने 2018 में खुद से 10 साल छोटे अमेरिकी सिंगर निक जोनस से शादी की थी। दोनों की शादी जयपुर के उमेद भवन पैलेस में हुई थी। इस शादी में शामिल होने प्रियंका चोपड़ा का पूरा ससुराल पक्ष आया था। हालांकि प्रियंका की शादी के दौरान उनके जेठ की शादी नहीं हुई थी, बावजूद इसके उनके होने वाली जेठानी सोफी टर्नर प्रियंका की रॉयल वेडिंग में शामिल हुई थी। बता दें कि प्रियंका शादी के बाद ज़्यादातर विदेश में ही रहती हैं, कभी कभी वे इंडिया आती रहती हैं। प्रियंका आखिरी बार द स्काई इज पिंक में नजर आई थी। हाल ही में आपको बता दें कि सोफी जो कि उनकी जेठानी है, उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी देवरानी प्रियंका की शादी व्यवस्थाओं और उनके साथ हुए व्यवहार को लेकर बात की थी। सोफी ने LA US को एक इंटरव्यू दिया और उसमें बताया कि हम जब निक और प्रियंका की शादी के लिए भारत गए थे तो हमारे साथ एकदम शाही लोगों की तरह व्यवहार किया गया। प्रियंका को भारत में पूजा जाता है। अपने इंटरव्यू में सोफी ने देवरानी प्रियंका की तारीफों की पुल बांध दी थी। सोफी ने बताया कि इंडिया में प्रियंका को लेकर लोगों में एक तरह से दीवानगी है। आपको खुद को याद दिलाना होगा कि वो 20 साल से बॉलीवुड में है, वो भारत में एक फेमस हस्ती है। जब हम वहाँ निक और उनकी शादी में गए थे तो हमारे साथ बिल्कुल शाही अंदाज में व्यवहार किया गया था, उनकी वहाँ पूजा की जाती है। अपने इंटरव्यू में सोफी ने प्रियंका के परिवार के बारे में भी कई बात की। सोफी ने जोनस फैमिली के बारे में बात करते हुए कहा कि वो लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हमसे केवल 10 मिनट की दूरी पर ही रहते हैं। भले ही केविन जोनस और डैनियल जोनस न्यू जर्सी में रहते हों, लेकिन हम उनसे हमेशा मिलते रहते हैं। ऐसा लगता है कि हम एक बड़ा परिवार हैं, क्योंकि घर के सभी लड़के
बेस्ट फ्रेंड्स की तरह हैं। आपको बता दें कि प्रियंका जल्द ही चाची भी बनने वाली है। खबर है कि सोफी और सिंगर जो जोनस के घर एक नया मेहमान भी आने वाला है। हालांकि इस बात पर एक्ट्रेस ने अभी तक खुलकर कोई बात नहीं की। अब वही बता दें कि प्रियंका की अगर बात कर लें तो वो द स्काई इज पिंक में नज़र आ चुकी हैं। वहीं आपको बता दें कि कई हॉलीवुड सीरीज़ में भी वो नज़र आ चुकी हैं। वहीं अपनी जेठानियों के साथ उनका संबंध काफ़ी अच्छा देखा गया है। जी हाँ, उनकी जेठानियाँ उनसे बहुत प्यार करती हैं और इंटरव्यूज़ में भी प्रियंका को लेकर कई बातें वो कह चुकी हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रियंका की जेठानी सोफी टर्नर का फैशन स्टाइल भी कम चर्चा में नहीं रहा है। हसीना के शादी के दौरान ही उनका स्टाइल लोगों को बहुत पसंद आया था। ऐसा ही कुछ एक बार तब देखने को मिला था जब प्रियंका अपने पति निक जोनस और जेठानी के साथ लंच डेट पर गई थी। प्रियंका अपने पति निक जोनस के साथ डिनर डेट पर गई थी, जिसके लिए उन्होंने मिडी ड्रेस को चुना था। हसीना ने वाइट और ग्रे स्ट्राइप्स वाली ओपन ड्रेस पहनी थी। आपको बता दें कि प्रियंका की जेठानी सोफी टर्नर भी लंच पर मौजूद थी और जिसके लिए उन्होंने बेहद ही सिंपल अवतार कैरी किया था। आपको बता दें कि इसी चीज़ में इन दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी देखी गई। अगर प्रियंका और सोफी की लुक की बात करें तो दोनों ही अपने अपने अंदाज में बहुत ही क्लासी लगती हैं। पीसी ने अपने लिए स्टाइल के साथ कम्फर्ट का ध्यान भी रखा था। वहीं आपको बता दें कि इस तरह इन लोगों की बॉन्डिंग हमेशा साथ देखी गई है। चाहे कई फोटोज़ जब भी सामने आती है तो इन दोनों की बॉन्डिंग को हमेशा सराहा जाता है। वहीं सोफी टर्नर ने हमेशा ही प्रियंका के साथ कई तस्वीर शेयर की है, तो डैनियल भी अपनी देवरानी पर प्यार लुटाती हुई नजर आती हैं। आपको बता दें सोफी टर्नर ने इंस्टा स्टोरी पर कई सारे कैप्शन शेयर किए थे और लिखा था कि यह प्राइड मंथ है बेबी। शेयर किए गए स्टिकर पर लिखा था कि हटो मैं गे हूँ, बाय प्राइड, गे प्राइड आदि। जी हाँ, आपको बता दें कि इस तरह की इंस्टा स्टोरी उन्होंने शेयर की थी। और आपको बता दें कि सोफी टर्नर काफ़ी खूबसूरत हैं और प्रियंका चोपड़ा और दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी खूबसूरत तरीके से सामने आती है। आपने देखी अभी यह रिपोर्ट, आपने जाना कि प्रियंका चोपड़ा अपनी जेठानियों यानी कि सोफी और डैनियल के साथ कैसा रिश्ता रखती हैं, कैसी बॉन्डिंग शेयर करती हैं। हमेशा इन लोगों को साथ देखा गया है। कई ऐसी तस्वीरें हैं जो हमेशा सामने आती है और ऐसा लगता है कि इन दोनों में बिल्कुल बहनों जैसा प्यार है। ये तीनों हमेशा ही साथ रहती हैं, हमेशा ही एक साथ देखा गया है कई तस्वीरों में। चाहे कह लें कई वीडियोज भी सामने आते हैं जिसमें इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी नज़र आती है। तो आपको इस रिपोर्ट को लेकर क्या कहना है, आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। फिलहाल और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।